फैसलाबाद में कपड़ों की लूट सेल में लड़ाई, औरतों ने एक दूसरे के जूंडे पुट दिए। एनी शाहिदीन के मुताबिक सफायर स्टोर जंगे हिंद का मंजर पेश कर रहा था। पापा की परियां एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था हुई तो इन सब के अंदर की पीनो पंबीरी, रजिया कैंटी और मुनज्जा टोल की खुलकर सामने आई। दुख्तराने पाकिस्तान ने ना सिर्फ एक दूसरे के जूंडे पुटे बल्कि बहुत सी खवातीन ने मुक्के, खूंसे और लातें एक दूसरे के पेट में मारी, जिससे बहुत सी खवातीन को कड़ल पड़ गए। पहली और दूसरी जंगे अजीम के बाद ये लड़ी जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी लड़ाई है। ये लड़ाई लॉन के गंदे गंदे फूलों वाले सूट और बड़े रजाई प्रिंट के ज्यादा से ज्यादा हसूल की वजह से पेश आई। पापा की परियों ने लड़ाई के दौरान सफायर स्टोर का वो हाल किया जो पाकिस्तान आर्मी ने अभिनंदन का किया था। दुख्तराने पाकिस्तान का जब इतना लड़ लड़ के भी रांझा राजी ना हुआ तो उन्होंने अपने बेजुबान शोहरों को कॉल मिला दी और कहा, इजाज साहब जल्दी से सफायर स्टोर पर आएं, शहनाज ने मेरे जूंडे पुटे हैं और मुझसे सूट भी छीन लिए हैं। जौजा माजदा की ये बात सुननी थी कि जोरू के गुलाम भी तैश में आ गए और पिस्तौलें, कपड़े धोने वाले थापे, वाइपर, रेशमी नाले, उल्टी शलवारें और गाड़ियां लेकर सफायर स्टोर पहुंच गए। ये बेजुबान मखलूक सफायर स्टोर में दाखिल हुई तो इन्होंने हवाई फायरिंग शुरू कर दी, जबकि इनके कानों में इनकी बीवियां पीछे से मुसलसल कान भराई फायरिंग जारी रखे हुई थी। हालात काबू से बाहर हो गए और सफायर वालों को दुनिया की सबसे तेज तरीन और जहीन तरीन पुलिस यानी पंजाब पुलिस को बुलवाना पड़ गया। पंजाब पुलिस ने हमेशा की तरह अपनी पंक्चुअलिटी पर कोई समझौता नहीं किया और ठीक 2.5 घंटे के बाद वहां पहुंची। 8 से 10 शोहरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इनको रुख्सती की सूरत में अपने डालों में बिठा कर ले गई। अब दूसरी तरफ बीवियां अपने शोहरों को पुलिस वैन में बैठा देखकर काफी टेंस थी, लेकिन उन्होंने ये सोचकर सब्र कर लिया कि शोहर तो जेल से वापिस आ जाएगा, लेकिन सफायर की लूट सेल का ये दिन कभी वापस नहीं आएगा। बस इसी सोच ने बीवियों को तकवियत दी और उन्होंने कपड़ों की छींटा छपटी में दोबारा यमंडस शुरू कर दिया। मेरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त है कि इस वाकये का अज खुद नोटिस लिया जाए, क्योंकि शोहर बेजुबान होता है, लोला होता है। ये मिस्कीन बेचारा सब की बातें सुनता रहता है लेकिन एक लफ्ज नहीं बोलता। आए इस बेजुबान मखलूक के लिए आवाज उठाएं। कब तक इन मजलूमों पर पर्चे करते रहेंगे, कब तक इनकी शलवार और कमीज वाली जेबें खाली होती रहेंगी। खावंदों की इतनी लाजवाल कुर्बानियों के बावजूद हमारा मुआशरा इन्हें ये कहकर भी डिग्रेड करता है कि ऐते बुड्ढी थल्ले लगा है। तारीख गवाह है कि मुमलिकत खुदादाद में जब भी ईद, शबरात या कोई छुट्टियों का त्यौहार आता है तो ये शोहर ही है जो बेचारा खुद मोटरसाइकिल की टैंकी पर बैठकर 6-6 बच्चों और बीवी के हमरा ससुराल का रुख कर लेता है, लेकिन कभी उफ नहीं करता। वो कौमें कभी तरक्की नहीं करती जो शोहर की कदर मंजिलत नहीं जानती, क्योंकि शोहर तो सबके सांझे होते हैं। सफायर स्टोर फैसलाबाद के इस वाकये के बाद मेरे सबसे प्यारे दोस्त चाहत फतेह अली खान ने निगरान वजीर आजम बनने से माजरत कर ली है। ये सब हमारी बहनें हैं, ये जो झंडा है।